गिफ्ट्स भी आ गए जो चाचू जी ने कल मुझे दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछला व्लॉग आपने देखा होगा कि कल हमने मिंटो फैमिली को दी थी दावत, हमारी तरफ से कल भाई बहुत बड़ी दावत थी, मिंटो फैमिली को भी दावत दी थी और साथ पूरी फैमिली को भी दी थी, यहाँ पे बैठ के दावत जो है ना वो की थी। और इधर न्यू किचन में भी कल हमने खाने भी तैयार किए थे दावत के, माशाल्लाह से कल दावत जो है ना हमने भी काफी इंजॉय किए, बाकी सारी फैमिली ने भी काफी इंजॉय किए। उसके बाद ना एंड पे चाचू जी ने ना मुझे कुछ गिफ्ट्स दिए थे, तो इंडोनेशिया से कुछ गिफ्ट्स जो है ना वो लेके आए थे, तो कल दावत के दौरान ही मुझे वो गिफ्ट दिए थे। कल तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, आज वो गिफ्ट्स जो है आपको भी दिखाते हैं कि चाचू जी मेरे लिए इंडोनेशिया से कौन कौन से गिफ्ट जो है वो लेके आए हैं, आपको भी दिखाते हैं, अम्मा जी को भी दिखाते हैं और चाचू जी को भी दिखाते हैं। से एंड में चेयर और टेबल जो है वो लगा दी है और इधर अम्मा जी, चाचू जी और अबू जी भी आ गए, तो ये भाई गिफ्ट्स भी आ गए जो चाचू जी ने कल मुझे दिए थे। तो ये भाई गिफ्ट्स हैं जो चाचू जी ने कल मुझे दिए, जो इंडोनेशिया से लेके आए हैं। तो आज ये गिफ्ट्स मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाने हैं, खुद भी देखने, अभी तक मैंने भी को नहीं देखे। अच्छा मैं सबसे पहले तो एक छोटी सी अपने व्यूअर्स के साथ बात कर लेते, चलो मंज भी बैठी है, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने अपनी बहन को नहीं दावत पे बुलाया। अम्मा जी को पता है? नहीं आप तो आपने सुन लिया ना, अम्मा जी को पता है, बाजी से बात की थी, वो कहती है अगले हफ्ते का प्रोग्राम है ना। हाँ जी, अगले हफ्ते का प्रोग्राम है, आपको पता है भाई लियाकत भी घर पे नहीं थे, शायद अगले हफ्ते भाई लियाकत भी आएंगे। हाँ जी, सिस्टर भी आएगी, तो फिर इंशाल्लाह सभी की कठी दावत कर लेंगे। एक दावत और रहती है अभी भी। हाँ, दावत रह गई है, तेरी बीवी नु आखिया मैं तुसी आज दावत ना करो, उस आखिया से समान ले बैठिया, ये दावत आज कर लेने आज के नाम लियाकत असल में प्रोग्राम भाई लियाकत का भी था ना इसी हफ्ते का आने का, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली, तो फिर आसिया ने भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, उसने कहा जब भाई लियाकत भी आएंगे फिर उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और दावत भी आके खा लेंगे, तो फिर अगले हफ्ते वो आएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी सारे कहते हैं भाई आप उनको बुलाते नहीं, बुलाते भाई, असल में बात यह कि हर कोई अपने घर में बिजी है, मसरूफ़ है, जब उनके पास टाइम होता है तो उसी हिसाब से सभी आ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले जो गिफ्ट आया सार और मुबशिर के लिए वो खोल के दिखाते हैं। हाँ जी पढ़े बस, मैं था कि मेरे वास्ते नहीं कोई गिफ्ट है, तुसी यार अपने अपने अपनी गल्ला छेड़े बैठे हो, मक्का का है खोल के दिखाए ना भाई, कौन कौन चाची गिफ्ट लेके आए हैं। खोलते हैं जी, गाड़ी बड़ी तुसी चिड़ी कर छोड़ी है भाई, ये ना खुले, देखो दंदी शंदी मार रही पावनी है। ये रहे जी, चलो जी शुरू करें। सबसे पहले जो है ना मेरे मुंह में रफू आ गई है गिफ्ट देख के, गिफ्ट्स में ना सूट। एक और चीज बता दो, गिफ्ट्स में खाने पीने की चीजें भी थी जो पहले हम खा चुके हैं। फिर इसको बुलाने का मकसद खाने वाली चीज तो आए नहीं। चलो अम्मा सूट कढ़ो तो विखाओ सानू, ये तो खदर का सूट नहीं लगता भैया, सूट तो बड़ा सोना है भाई, सर्दियों का है, खोल के दिखाए ना व्यूअर्स को भी, तोता कलर है, तोता कलर ये देखे बिलू, अम्मा को बिलू का रट्टा लगा हुआ सारे कलर ऐसा, किचन बिलू की थी ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन कलर है ए जी, हिको सू नहीं नहीं आ वखरा आ दुपट्टा है, शलवार कमीज इन्हें भाई, सूट बड़ा प्यारा है, पैटर्न बड़ा प्यारा है, ये आ जड़ा स्टफ है ना ये बड़ा प्यारा है, चले जी भाई ये गिफ्ट था जी अम्मी जी का। अच्छा हाँ यार तू खुद अनबॉक्स करके दिखा, तुम्हारे गिफ्ट है। नहीं नहीं मैं कैमरा पकड़ के खड़ा हूँ ना, तू पैसे निकला है बाद में खोलेंगे, बाद में ये मेरा गिफ्ट है, चलो रखना रखना। गिफ्ट जो है ना ये भाई अम्मी जी भी पहन सकती है चाहे बाजी पहन ले, और उस तू बाद आया ये जूता ये चेक करें। ये भाई के लिए
तो सैर को सारे घर वाले अम्बाजी बुलाते हैं, लेकिन सैर मुझसे छोटी है। तो ये है भाई इसका गिफ्ट, ये शूज है, एक इसका डिजाइन आप देख लो ऊपर से, ये एक शूज हो गया, ये एक सूट आ गया, हाँ जी उस बाद एक और सूट कलर देखा मेरी बेगम के साथ मैच करता है। नहीं यार बड़ा जबरदस्त कलर है, येलो फुल है ना सोने लगते पैन, स्टाफ भी बड़ा प्यारा है, मिंटो फैमिली जरा ना खर्चा कर आई ने दुखी होया ही ने। नहीं मैं ये कपड़े आंदे ना अच्छे आंदे, मेरे कानी एक सूट आंदा। अच्छा हां ते ओ मेरा नहीं तू तो बस भाई इंतजार तो लावन दी मैं तो पहले जाम गड़ी। अच्छा चंगे अच्छा भाई बशीर का गिफ्ट जी, फार बशीर, फार बशीर मेरे गिफ्ट जो है ना नहीं ला ले आए ना, मुझे फिर पैसे ही दे रही, खुद ही ले लेगा 2000 रुपया रुपया अपनी मर्जी से गिफ्ट ले लेगा। लो खा ले जाके चेंज करवा ला ना, तू दो रंग लगो। असल में बात इस तरह पे गिफ्ट इनके ने ये लेके आए थे, देखो सभी को पता है बैग पीछे रह गया वो आना देखो कब आता है, तो गिफ्ट उसमें थे, तो फिर उन्होंने कहा मुबशर का दिल निकल ना हो गए पैसे दे देने। जो थे ना मेन मेन कीमती चीज वो पीछे रह गए। अभी एक और मशवरा जो है ना वो हम करने लगे हैं। मशवरा करें। मशवरा ये करना है कि यहाँ पे भाई हमने एक छोटा सा कमरा बनाना है यहाँ पे। हाँ जी भाई सदाका से मशवरा कर रहा हूँ, और भाई सदाकत ने भाई सुनते ही ना कहा कि भाई मैंने भी इस बिजनेस का ना पार्टनर बनना है। हाँ जी, हाँ जी वो इस तरह के यहाँ पे भाई कमरा बनाएंगे, यहाँ पे मुर्गियाँ रखते हैं, वो कहता है कि 5-6 मुर्गियाँ आप रख ले, 5-6 मुर्गियाँ मेरे हिस्से की रख ले। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि वो कहता है मेरी जो बेगम है वो बहुत कमजोर है, तो सर भी अंडे खाएगी। नहीं वैसे घर में इस्तेमाल होने चाहिए, होने चाहिए, बाकी लोग भी तो खाने के लिए है ना। तो यहाँ पे भाई कमरा बनाना, ये सारी सफाई करते हैं, ये लकड़ी जो है साइड पे कर देते हैं, यहाँ पे बना रहे थे एक दीवार इधर है, एक बनी हुई है, एक बनी हुई है, इधर एक दीवार बना लेंगे ना ये खजूर तक, हाँ यहाँ तक, और ये जो फ्रंट है ना सारी जाली लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे मुर्गियाँ रख लेंगे ना, सही है ठीक है ऐसे। अच्छा तो कमरा भी मैं तैयार करता हूँ, जाली वगैरह दरवाजा वगैरह मैं फिट करता हूँ, आपके जिम्मे यही एक काम है, आप किसी से ना मुर्गियाँ ले, नस्ली मुर्गियाँ ले जो बड़े बड़े अंडे दें, और यानी कि हम ले आए तो अंडा देना शुरू कर दे, छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी उम्र उनकी पूरी होनी चाहिए, यही आपने काम करना है, ये काम है आपके जिम्मे, कमरा बनाने वाला काम मेरे। चलो शुरू हो गया तो आज भाई काम असल में हमने यही करना है, इस जगह पे थोड़ी बहुत करनी है जी सफाई, ये सारी लकड़ियाँ आप देख रहे होंगे ये यहाँ से हटा देंगे, जब सारी जगह साफ हो जाएगी उसके बाद फिर यहाँ पे हम कमरा बना पाएंगे ना। कमरे जब हम बनाएंगे तो ये जो ईंटों के टोटे वगैरह पड़े हैं ना, हाँ जी, वो इधर दीवार में इस्तेमाल कर लेंगे, हाँ ये जगह भी साफ हो जाएगी। हाँ जी, बाकी ये जो लकड़ियाँ हैं ये जो कड़ियाँ पड़ी हैं ये भी यूज हो जाएंगी। हाँ जी, कुछ बाकी छोटी मोटी लकड़ियाँ पड़ी हैं हम उठा लेंगे, ये सर्दियों में जलाने का काम आ जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह, तो इस तरह ये सफाई भी हो जाएगी और यहाँ पे जो मुर्गियाँ हमें रखनी उनके लिए कमरा भी बन जाएगा। ये है जी कड़ियाँ जो ऊपर डालेंगे, इधर हम एक दीवार बना लेंगे इधर और यहाँ तक बनेंगे, और फिर ऊपर ना ऐसे ये कड़ियाँ डाल देंगे। हाँ जी, हमारे पास अपनी कड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनसे छत जो है वो बन जानी है, सारा सामान समझो हमारे घर में ही है, ईंटें भी पड़ी हैं, कड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, और जो हमारा पुराना मुर्गी खाना था उसका जो दरवाजा है वो इधर पड़ा है। हाँ जी, तो सारी सफाई कर लेते हैं, हाँ जी से ये काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, फिर आपके साथ भी सारा काम जो शेयर करेंगे, लेकिन आज अभी ये काम कर लेते हैं, ये सारी सफाई जो कर लेते हैं, कुछ सफाई जो यहाँ से हमने कर दी, कुछ लकड़ियाँ जो उठा के हमने इस तरह इधर रख दी और कुछ इधर भी रख दी, और ये ईंटें पड़ी हुई हैं तो ये कल यूज हो जाएंगी, बाकी ये लकड़ियाँ पड़ी हैं थोड़ी सी रह गई ये यहाँ से उठा लेते हैं, तो इस तरह ये सफाई जो हो गई है, बाकी का काम है जो मुर्गियों का कमरा तैयार करने वाला, फिर कल से काम हम स्टार्ट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे, तो इसी तरह भी बाकी की सारी सफाई जो है कर लेते हैं। और अभी मैं हूँ इधर बारिश फसल वाली साइड, इधर आप देख रहे होंगे ये सारी ग्रीनरी माशाल्लाह से, और ये जो लोगों ने चारे लगाए हुए थे अब ये चारा हो जाए ये भी बड़ा होने लगा है, सर्दियों तक ये फुल बड़ा हो जाए, बाकी धान की फसल जो है ना वो पक्की खड़ी है, बस 2-3 दिनों तक इसका भी काम जो है ना शुरू हो जाना कटाई वाला।
यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलती जी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।